नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरनेम को बोले 2019 में। विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया, सजा हुई, सदस्यता गई, बंगला भी छिन गया, लेकिन इशू अभी नहीं थमा है। अडानी को लेकर के अभी भी राहुल गांधी हमलावर है। हाल के दिनों में जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, उन नेताओं ने वार किया था बहुत तरीके से। जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ट्विटर वार चला था। आज इस विवाद में जो है राहुल गांधी एक बार कूदे और उन्होंने अडानी जो ये चार शब्द है ADAN पांच शब्द, इसके माध्यम से पांच नेताओं को लपेटा। गुलाम नबी आज़ाद, इसके बाद सिंधिया, उसके बाद किरण रेड्डी, हेमंता विश्व शर्मा और फिर अनिल एंटनी। शब्दों का मिलान किया कि देखिए अडानी में ये नाम आ रहे हैं, कह रहे हैं एक झूठ बोलते हैं और फिर जो है बरगलाते हैं। वो 20,000 करोड़ किसके हैं? अभी 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया, पहले इसको समझिए। राहुल गांधी शुरू से ये बात कहते रहे हैं और अडानी पे ये आरोप है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहाँ पे सेल कंपनियाँ बना करके उन्होंने अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा और उसको ऊपर उठाया। इनका कहना है कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं ये पता किया जाना चाहिए और इशारों में इन नेताओं की तरफ वो वार कर रहे हैं। ये मोदी की तरफ भी वार कर रहे हैं, इनकी तरफ भी वार कर रहे हैं। अब कोई पूछे कि आपके पास तथ्य नहीं है। अब इसे जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 20 दल इस समय एक हैं कि अडानी मामले पे JPC का गठन होना चाहिए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक कमेटी एक्सपर्ट्स की बना चुकी है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक JPC नहीं बनेगी तब तक राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। 2024 का आम चुनाव सामने है और उसी राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ किया जा रहा है। BJP भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। उन्हीं 20 दलों में से एक दल NCP के प्रमुख शरद पवार ने एक TV से साक्षात्कार में साफ साफ कहा कि इसमें JPC की जरूरत नहीं है, हिंडनबर्ग कौन है उसकी बात पे हम क्यों भरोसा कर रहे हैं, इससे पहले तो उसका नाम भी नहीं सुना था, क्यों संसद ठप की, JPC की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को झटका लगा क्योंकि कांग्रेस इस मुहिम को लीड कर रही है, उसे लग रहा है कि PM मोदी को हम जो है घेर ले रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल अभी वो राजनीति चल रही थी तब तक इनका ये ट्वीट आ गया। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि 20,000 करोड़ का आप आंकड़ा कहाँ से लाए, ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा जो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है उस तथ्यों के साथ वहाँ पर दे दीजिए कि इनका पैसा है। नहीं, आपको एक किस्सा बताता हूँ। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उनके बेटे का अजय सिंह का सेंट किट्स में अकाउंट होने की बात कह करके विरोधियों ने वार किया था, उसका नतीजा बहुत भयानक हुआ था। अब बाद में हकीकत यह निकली कि उनका कोई खाता सेंट किट्स में था ही नहीं। तो इसी को कहते हैं राजनीति, इसी को कहते हैं सियासत। कुछ भी एग्जिस्ट न कर रहा हो उसको एग्जिस्ट करा दीजिए। एक नेता ने बोला था कि भारत में मुद्दों पे कभी चुनाव नहीं होता, मुद्दे जानबूझकर के आर्टिफिशियल बना दिए जाते हैं, उस पे चुनाव होता है, उसमें लोगों को इमोशनली अटैच किया जाता है कि देखिए किस तरीके से देश का धन जो है लुटाया जा रहा है। इस बात की परवाह नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में यही दो समस्याएं हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान किस तरफ है, कैसे BJP और PM मोदी को डेंट मारिए और कैसे 2024 के में सत्ता हासिल कीजिए। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि ये सब मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, बहुत दिनों तक ये चलते नहीं हैं। देखना ये है कि जो आज इन्होंने ट्वीट किया है उस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कोर्ट में मिलेंगे राहुल गांधी। अभी तक मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, मर्यादाओं का पालन किया कि आपने बफोर्स में, नेशनल हेराल्ड में और तमाम क्वात्रोची वाले मामले में जो पैसा पाए थे वो कहाँ लगाया, नहीं पूछा था, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ और कोर्ट में मिलेंगे। तो क्या राहुल गांधी के ऊपर एक और मानहानि का केस होगा, क्योंकि मोदी सरनेम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के मानहानि का केस हो चुका है, उनकी सदस्यता जा चुकी है, एक मामला चल रहा है इसी मामले को लेकर के चल रहा है पटना में, और अब जो है हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि मिलेंगे कोर्ट में। तो जो कुछ भी चल रहा है इस मुद्दे के इर्द गिर्द इस पर हमारी नज़र है, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।